हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के वीडियो लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के पार्ट वन बना रहे हैं और अगले दिन मैं जो है पार्ट टू का लेकर आऊँगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला नंबर क्वेश्चन इस तरह से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं, यानी ग नंबर, यानी अयूब खां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे होंगे, क्या है कि शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर, यानी 1972। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आई हुई है तो देख पा रहे होंगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति शायद आप लोगों को पता होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क नंबर यानी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर, यानी लाल बहादुर शास्त्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आ चुकी है पूरी तरीके से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पाँचवा क्वेश्चन है, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर, यानी 1969। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है, छठा नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर, यानी जॉर्ज फर्नांडीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो पूरी तरीके से आ चुकी है क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, तो सातवां क्वेश्चन क्या है जिस तरह से देख पा रहे होंगे, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क नंबर, यानी अनुच्छेद 352 के तहत। आठ नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ग नंबर, यानी मोरारजी देसाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या है 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क नंबर, यानी राजीव गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है स्क्रीन पे, क्या है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो इसका राइट आंसर क नंबर, यानी VP सिंह, क्या हो जाएगा, VP सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर है कि बिहार की प्रथम, 11 नंबर जिस तरह से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर ख नंबर, यानी राबड़ी देवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है कि चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर, यानी सुंदरलाल बहुगुणा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं पूरी तरह से स्क्रीन पर, क्या निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरणीय विद नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर, यानी अरविंद केजरीवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं पूरी तरीके से, क्या है कि DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका राइट आंसर ग नंबर, यानी तमिलनाडु के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आ चुकी है पूरी तरीके से, क्या है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो पूरी तरीके से आ चुकी है आप लोग देख पा रहे होंगे। नंबर क्वेश्चन है, USA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर, यानी 11 सितंबर 2001 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या एमनेस्ट इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर, यानी मानव अधिकार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं पूरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क नंबर, यानी 1945 ईस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा स्किप करके देख लेते हैं, 19 क्वेश्चन आ चुके हैं पूरी तरीके से, क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय का न्यायालय, मुख्य न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 19 नंबर का, घ नंबर, सही जवाब हेग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी, दक्षेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर राइट आंसर है, तो 1985 ईस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का
वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से स्क्रीन पे देख पा रहेंगे, क्या क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 22 नंबर का क्यूबा संकट, ख नंबर, यानी 1961 ईस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। रोनाल्ड किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क नंबर, USA के। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आ चुके हैं पूरी तरीके से, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर, यानी बेलग्रेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है, क्या है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 नंबर का क नंबर, यानी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और सेकेंड पार्ट जो है अब बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, तक तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो पर।